नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम अनवायलेंस जो पार्ट पढ़ रहे थे उसके दो पार्ट पढ़ लिए थे। आज जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन का जो अभिन्न अंग या जो जन्मजात प्रवृत्तियां जो वायलेंस को बढ़ावा देती है वो कौन कौन सी है, और हम इससे किससे पार पा सकते हैं कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिससे हम वायलेंस की तरफ अग्रसर ना हो। तो आगे है कि देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। राइटर ने कहा है कि वायलेंस आर और भी है, किन किन के बीच में है, एक हस्बैंड जो पति है, वाइफ जो पत्नी है, एंड चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं, इनके मध्य में भी क्या होता है, जो वायलेंस होता है, यानी कि हिंसा हर जगह है, पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा का कार्य होता है। और ये हमें सबको पता है कि क्या होता है आपस में पारिवारिक जो भी लड़ाइयां वगैरह होती है उसमें मानसिक रूप से भी व्यक्तियों को सहना पड़ता है, तो वहां पर हर जगह क्या है, वायलेंस है। देयर इज वायलेंस, क्या क्या चीजें हैं ये यहां से आपको ध्यान रखना है। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, इनहेरेंट का मतलब जन्मजात या जीव व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग। जन्मजात का मतलब जो हमें जन्म से ही मिल जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होंगे, ग्रो अप करेंगे, वैसे वैसे हमें ये चीजें, ये जो लक्षण हैं, ये हमें दिखाई देंगे। कौन कौन सी चीजें हैं, पहली चीज बताई है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीज है जो व्यक्ति में क्या है, इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब जन्मजात है। पहला कौन सी चीज है, वायलेंस यानी हिंसा। हिंसा हर व्यक्ति में होता है, हिंसा का जो भाव है। दूसरा है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म पहले भी आ चुका है, विरोधाभास या शत्रुता का भाव। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोधाभास, यानी हम किसी के प्रति विरोध का भाव रखते हैं, या फिर विरोध है तो पक्की बात है किसका भाव है, शत्रुता का भाव हो, उसे एंटागोनिज्म कहते हैं। यानी कि ये वायलेंस एंटागोनिज्म ये व्यक्ति में जन्मजात होती है। हेट, तीसरी चीज क्या है, हेट यानी किसी व्यक्ति के प्रति हम किसका भाव रखें, नफरत का भाव रखें, हम किसी से नफरत करें। अगली क्रिटिसिज्म, अगली यानी भद्दी, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। आलोचनाएं दो प्रकार की होती है, एक ऐसी आलोचना है जिससे व्यक्ति आलोचक और समालोचक, यानी हम आलोचना करें और उससे वो प्रेरणा लें, यानी हम उसके भले के लिए हम उसकी आलोचना करें तो वो तो ठीक है, लेकिन हम ऐसी आलोचना करें जिससे उसका भी नुकसान हो, उससे जब वो हमारी ये बात सुने तो उसे भी दुख पहुंचे कि ये ऐसी बात है ही नहीं, फिर भी ऐसी बात कही जा रही है। यानी अगली क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, बद्दी आलोचना, यानी उसके बारे में हम बुरी बात कहें जो होती नहीं है। समालोचक जो आलोचक होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति में, जैसे क्रिकेटर वगैरह में आलोचकों ने ये कहा वो कहा, यानी उनके भले के लिए कहा कि अगर ऐसा नहीं करके ऐसा करता तो बढ़िया रहता, यहां पर इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, यानी वहां पर तो हम उसके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम दूसरी जगह कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं थी, उसकी बुराई कर रहे हैं, वो व्यक्ति में इनहेरेंट होती है। उसके बाद में क्रुएल्टी, निर्दयता, यानी हम किसी के प्रति निर्दयी हो जाएं, दया नहीं आए हमें उसके ऊपर, ये एंगर। और अगला चीज कौन सी है, एंगर यानी गुस्सा। ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि आगे लिखा ऑल दिस, ये सब की सब चीजें इस यानी होती है इनहेरेंट इन एम। एक इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जन्मजात। एक व्यक्ति में ये जो पांच चीजें बताई गई है, छह चीजें, ये व्यक्ति में क्या होती है, जन्मजात इनहेरेंट होती है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक, ईच का मतलब प्रत्येक, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मानव,
कि प्रत्येक मानव में ये चीजें क्या है, ये जो है ये जन्मजात होती है, इनहेरेंट होती है। ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव, ये सब चीजें मानव में इनहेरेंट होती है। समझ में आ गई होगी कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो वायलेंस, दूसरी एंटागनिज्म, हेट, अगली क्रिटिसिज्म, क्रुएल्टी और एंगर। ये सब चीजें व्यक्ति में क्या होती है? इनहेरेंट, यानी जन्मजात या मानव के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इट इज इनहेरेंट इन यू, राइटर ने कहा है कि ये आपके अंदर भी है, यानी हम सब में है तो आप भी उनमें ही आओगे। ये सब हर व्यक्ति में ये चीजें क्या है? इनहेरेंट है, व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इन्हीं चीजों के कारण क्या बढ़ रही है? हिंसा बढ़ रही है। हिंसा बढ़ने के सब यही कारण है। इन चीजों से क्या होगी? हिंसा होगी, वायलेंस होगा। बात समझ में आई होगी कौन कौन सी चीज है? वायलेंस, एंटागनिज्म, हेट, अगली क्रिटिसिज्म, क्रुएल्टी और एंगर, ये व्यक्ति में इनहेरेंट होती है। अब जब ये जन्मजात है और इन चीजों को हमें अपने से दूर करना है, हम इन चीजों में नहीं जाना चाहते, यानी हम अहिंसा का मार्ग अपनाएं, तो कौन सी चीज है जिनसे ये जो जन्मजात चीजें हैं वे अपने आप, ये जो गुण है, अवगुण है, जो भी हम अवगुणों में रखेंगे इनको, क्योंकि अवगुण इसलिए है क्योंकि ये हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, क्योंकि किसी को भी किसी से नफरत करेंगे तो हिंसा का भाव आएगा। कोई सी भी चीज ले लो, एंगर गुस्से के कारण भी, बदी आलोचना करेंगे तो भी अगले को गुस्सा आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये सब चीजें वायलेंस को बढ़ाएगी। एंड एजुकेशन इज सपोज्ड, इसलिए जो शिक्षा है उसको माना गया है, सबको इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शिक्षा ने खुद ने नहीं माना है, सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है, पैसिव वॉइस है। एंड एजुकेशन इज सपोज्ड, और यही माना जाता है शिक्षा को क्या माना जाता है? टू हेल्प यू, कि यह आपकी सहायता करेगी। किसके किसके लिए? टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, बियॉन्ड ऑल दैट, बियॉन्ड मतलब आगे, कि इन सब चीजों से अगर आपको आगे निकलना है, इन चीजों को आपको छोड़ना है, इन अवगुणों को, तो इन सब चीजों का एक ही इलाज माना गया है, सपोज किया गया है। सपोज का मतलब माना है कि भाई लगभग ये काम किससे हो जाएगा? एजुकेशन से हो जाएगा, कि आप एजुकेटेड हो जाओगे, आप शिक्षित हो जाओगे, तो आप में ये जो गुण है, सॉरी अवगुण है, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई होगी? तो कौन सी चीज है जिनसे हम इनको पार पा सकते हैं? वो चीज कौन सी है? एजुकेशन है। अब देखो आगे बताया गया है एजुकेशन का क्या रोल नहीं होना चाहिए, कि केवल एजुकेशन यही चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमने कल ही इसके ऊपर बात की थी। नॉट मियरली, मियरली का मतलब होता है ओनली, केवल, मियरली का मतलब क्या होता है? केवल, कि शिक्षा का केवल एक ही रोल नहीं होना चाहिए, कि शिक्षा केवल क्या नहीं होनी चाहिए? टू पास एन एग्जामिनेशन, कि एक कोई परीक्षा है उसको पास कर लिया, एंड गेट ए जॉब, और या फिर एक आपने नौकरी प्राप्त कर ली, ये दो रोल शिक्षा के नहीं होने चाहिए, होने तो यही चाहिए लेकिन केवल ये दो रोल नहीं होने चाहिए। यानी केवल शिक्षा का मतलब हमने इतना ही मान लिया अपने जीवन में कि मैंने शिक्षा प्राप्त की, एक एग्जामिनेशन पास कर लिया और मैं नौकरी लग गया, यहाँ पर शिक्षा का रोल खत्म हो गया, इतना ही शिक्षा का रोल नहीं है। शिक्षा का रोल पूरे जीवन भर चलता रहेगा, जो हमारी एजुकेशन है वो पूरे जीवन भर चलेगी, तब ही हम साथ साथ में एजुकेशन जब चलेगी तो इनको भी समाप्त करना होगा, तभी ही शिक्षा कहलाएगी। आपने नौकरी प्राप्त कर ली, आप बड़े पोस्ट पर लग गए, लेकिन आपके अंदर ये चीजें हैं तो वहां पर एजुकेशन नहीं है, वो सही एजुकेशन उसको नहीं माना जाएगा, ये एजुकेशन का रोल नहीं होगा। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको क्या हैव टू का यूज किया जाता है? मजबूरी को शो करने के लिए, हैव टू यानी बाध्यता, हम किसी को बाध्य करें कि ये ऐसा तो तुझे करना ही पड़ेगा, वहां पर किसका यूज किया जाता है? हैव टू का यूज किया जाता है। इसलिए कहा है यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा, किसके लिए? सो देट, ताकि, यानी आपको शिक्षित होना पड़ेगा ताकि आप क्या बन जाओ? यू बिकम,
आप बन जाओ, बिकम का मतलब बनना। तो देखो शिक्षा मिलेगी तो हम कैसे व्यक्ति बन जाएंगे। वापिस देख लो कौन कौन सी चीज इनहेरेंट होती है व्यक्ति में, वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, अगली क्रिटिसिज, क्रुएल्टी और एंगर, ये व्यक्ति में इनहेरेंट होती है। व्यक्ति में जन्मजात, व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है। अब इनसे पार पाने के लिए किसका रोल बताया गया है, शिक्षा। शिक्षा का एक रोल तो बताया कि शिक्षा से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एक एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो और एक गेट ए गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा का इतना ही रोल नहीं है, शिक्षा का रोल इससे भी बड़ा है। हम बड़े क्वेश्चन की बात करें 60 वर्ड्स की, तो 60 वर्ड्स में यही मेन मुख्य प्रश्न यही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या रोल है टू ओवरकम पार पाने में, किससे, द वायलेंस, हिंसा से। तो शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा कि शिक्षा का रोल होता है कि व्यक्ति को एग्जामिनेशन पास करवा देती, शिक्षित होंगे तभी पास होंगे और क्या प्राप्त करेंगे, गुड जॉब, टू पास एन एग्जामिनेशन, ये रोल होता है। लेकिन मुख्य रोल ये नहीं है, एग्जामिनेशन पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, टू गेट ए गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी हमें क्या मिल जाएगी, हमें प्राप्त या मिल जाएगी। केवल इतना ही शिक्षा का रोल नहीं होना चाहिए, शिक्षा का रोल है, शिक्षा से ये चीजें मिलती है, और क्या रोल होगा, यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो देट ताकि यू बिकम, आप बन जाओगे, क्या बनोगे, ए रियली ब्यूटीफुल, एक वास्तव में सुंदर व्यक्ति। सुंदर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली, आपका जो कलर है वो चेंज हो गया, आप अच्छे दिखने लगे, ऐसा रोल नहीं है। रियली ब्यूटीफुल का मतलब है व्यक्ति मानसिक अंदर, जो मानसिक रूप से भी उसका जो मन है वो भी सुंदर होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप ये मान लो कि शिक्षा प्राप्त करते ही हम गोरे हो जाएंगे, हम अच्छे दिखने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रियली ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पर है हम मानसिक तौर पर भी लोगों का भला सोचें। ए रियली ब्यूटीफुल यानी शिक्षा से आप क्या बनोगे, वास्तविक तौर पर आप ब्यूटीफुल बन जाओगे। शारीरिक तौर पर आप सुंदर हो या ना हो, लेकिन आप वास्तविक तौर पर जब लोग आपके कामों की, आपके जो कर्म है उनकी जब तुलना करेंगे तो लोग कहेंगे वास्तव में शिक्षा यहाँ पर काम आती है, तो वहां पर व्यक्ति कैसा दिखाई देगा, रियली ब्यूटीफुल, वास्तविक रूप से सुंदर दिखाई देगा, ये शिक्षा से ही होगा। दूसरा हम क्या बन जाएंगे, हेल्दी, स्वस्थ। शिक्षा का रोल स्वस्थता को भी शो करता है, यानी हमें पता है कौन सी चीज का कैसे खान पान, कौन सी चीज कहां पर खानी चाहिए, कैसे नहीं खानी चाहिए, कौन सी नुकसानदायक होती है, यानी हम शिक्षा के द्वारा हेल्दी भी बन सकते हैं। सेन, सेन का मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके लिए, रेशनल, विवेकी व्यक्ति, यानी हम विवेक वाले व्यक्ति बन जाएंगे, ह्यूमन बीइंग, मानव। तो ये शिक्षा का रोल है, शिक्षा का रोल यहां पर मत खत्म करो, इसके अलावा भी आपको रोल बताए गए हैं शिक्षा से। ए रियली ब्यूटीफुल, दूसरा सेन, रेशनल और हेल्दी, ये शिक्षा का रोल है व्यक्ति को बनाने में। तो बात समझ में आई होगी, नॉट ए ब्रूटल मैन, ने आपको शिक्षा से इस प्रकार का व्यक्ति बनना, ब्रूटल मैन नहीं बनना है, नरसंस, निर्दयी, क्रूर, यानी कि शिक्षा प्राप्त कर ली आपने और शिक्षा का आपने गलत फायदा उठा लिया और आप कैसे व्यक्ति बन गए, ब्रूटल, ऐसा नहीं बनना है हमें, तो ऐसा बनना है ब्यूटीफुल, रेशनल, हेल्दी और सेन, स्वस्थ दिमाग का हमें बनना है, बुद्धिमान, ये हमें बनना है। बनना क्या नहीं है शिक्षा प्राप्त करके, नॉट ए ब्रूटल मैन, हमें एक ऐसा क्रूर नरसंस व्यक्ति नहीं बनना है, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसके पास ब्रेन कैसा हो, क्लेवर हो, क्लेवर का मतलब जो बुद्धिमान हो,
तीव्र उसका ब्रेन है। शिक्षा प्राप्त की उसका उद्देश्य लोगों का केवल और केवल अहित करना है। शिक्षा से उसे और ज्यादा सहायता मिल गई। जैसे कल ही मैंने उदाहरण दिए थे, कहीं टेररिस्ट वगैरह है जो अब हमारे देश में या कहीं और भी जो अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, लगभग शिक्षित व्यक्तियों का भी इनमें हाथ होता है। जो मेन व्यक्ति होते हैं लगभग शिक्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज होता है कि बम का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा और कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार का व्यक्ति हमें नहीं बनना है। नॉट ए ब्रूटल मैन, ऐसा एक निर्दयी व्यक्ति नहीं बनना है। विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसके पास ब्रेन कैसा है, क्लेवर है। वो कैन आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, बहस करना कि मैं आतंकवादी इसलिए बना हूं। तर्क वितर्क, जो क्या कर सके, तर्क वितर्क कर सके एंड डिफेंड, और रक्षा कर सके, बचाव कर सके। डिफेंड का मतलब बचाव करना। बचाव कर सके किसकी, हिज ब्रूटिलिटी। ब्रूटिलिटी का मतलब होता है निर्दयता। निर्दय व्यक्ति क्या करेगा, निर्दयता दिखाएगा। तो ब्रूटिलिटी यानी उसकी डिफेंड कर सके, उसका बचाव कर सके, इस प्रकार का हमें व्यक्ति नहीं बनना है। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, उनके पास तीव्र दिमाग है और वो कुछ लोगों को और भी जोड़ते हैं, स्लीपर सेल वगैरह, कोई ऐसे आतंकवादी होते हैं अलग अलग टाइप से। तो जब उनको कहा जाए कि आप इस रास्ते को क्यों अपना रहे हो, तो वह अपने जो गलत रास्ता है उसको चुनने का तर्क वितर्क कर सके कि मैंने इसलिए। इस प्रकार का व्यक्ति हमें नहीं बनना है शिक्षा प्राप्त करके। ऐसे प्रकार का व्यक्ति हम नहीं बनेंगे, क्योंकि वह अपनी ब्रूटिलिटी को आर्ग्यू कर सकेगा, उसको डिफेंड कर सकेगा, उसके पास रीजन होते हैं और उसकी बातों में कुछ जो भोले भाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो भी क्या बन जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब है शिक्षा को हमें अलग रास्ते पर नहीं लेकर जाना है, हमें तो ये रास्ता अपनाना है कि हमें रेशनल व्यक्ति, सैन व्यक्ति और हेल्दी और रियली ब्यूटीफुल व्यक्ति बनना है। और शिक्षा का रोल यहाँ पर खत्म नहीं करना है। यहाँ पर हमें एग्जामिनेशन पास कर ली, आपने गुड जॉब प्राप्त कर ली, उसके बाद में आपको ये हमेशा अपने जीवन में साथ में रखने हैं। चारों चीजें हमें साथ रखनी है, मैं कि यहाँ पर आना है, ये चीज हमें नहीं अपनानी है। तो ये बात समझ में आई होगी। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस। फेस का मतलब सामना करना, कि ये जितने भी वायलेंस हमने अभी आपको बताई है, जो भी ब्रूटिलिटी, एंगर, हेट, अगली क्रिटिसिज्म, ये जितने भी वायलेंस के जो प्रकार, जो चीजें हैं जो मैंने बताई है, उनका आप सामना करने जाओगे एज यू ग्रो अप। जब जैसे आप क्या करोगे, बड़े हुए, यानी जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, वैसे वैसे आपको हर जगह जहां जहां पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मानव का अस्तित्व है, वहां पर आपको इनका सामना करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। हर्ड हियर की सेकंड थर्ड फॉर्म है हियर, यानी सुनना, फॉरगेट यानी भूल जाना, भूल जाना, हियर यानी सुनना। कि जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे, बड़े हो जाओगे, तो जो आपने आज बातें सुनी है इस पैराग्राफ, इस पाठ के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से आपने जो भी बातें सुनी है, ये सब बातें आप भी क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे ऑल दैट, वे सब कुछ, यू हैव हर्ड हियर, जो आपने यहाँ पर सुनी है। एंड विल बी कोट, और जकड़ लिए जाओगे। कोट का मतलब यहाँ पर कैच की थर्ड फॉर्म है, कैच का मतलब पकड़ना, यहाँ पर जकड़ना। एंड विल बी कोट, जकड़ लिए जाओगे इन द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा ऑफ सोसाइटी, ये जो समाज की जो धारा चल रही है हिंसा वाली, इस हिंसा वाली धारा में आपको भी जकड़ लिया जाएगा। आपने ये बातें सुनी है एजुकेशन से रिलेटेड, कि आप वायलेंस से पार कैसे पा सकते हो, एजुकेशन के माध्यम से आपको कैसा व्यक्ति बनना है, आज आपने सुन लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, तो ये जो समाज की जो धारा है, जो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम में आपको भी जकड़ लिया जाएगा और आप भी ब्रूटल मैन बन जाओगे।
कैसे व्यक्ति बन जाओगे, जो ब्रूटल मैन है, निर्दयी व्यक्ति आप भी बन जाओगे, ये सब चीजें आप भूल जाओगे। यू विल बिकम, आप बन जाओगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गार्डियन भी लगेगा। यू विल बिकम, आप बन जाओगे, क्या बन जाओगे, लाइक द रेस्ट ऑफ द, अन्य जो लोग हैं उनके जैसे। अन्य लोग कैसे हैं, क्रूर, क्रूर का मतलब, क्रूर का मतलब जो निर्दयी, हार्ड, कठोर, बिटर यानी कड़वे, यानी आपकी लैंग्वेज वगैरह, एंग्री, गुस्से वाले, वॉयलेंट यानी हिंसक, यानी आप ये व्यक्ति आप भी बन जाओगे। वर्ल्ड जो संसार है, यानी संसार में इतने प्रकार के लोग रहते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, देने वाले लोग कौन से हैं, क्रूर, जिनका व्यवहार क्रूर है, निर्दयी व्यवहार है, हार्ड, बिटर कड़वे लोग हैं, एंग्री और जो गुस्से वाले लोग हैं, इन्हीं के कारण संसार कैसा हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, वायलेंट का मतलब हिंसक हो रहा है। एंड यू विल नॉट हेल्प, इस कारण जब आप इन चीजों में जकड़ लिए जाओगे तो आप भी सहायता नहीं कर पाओगे इसमें। टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, एक नई संस्कृति, सोसाइटी का मतलब समाज, कि जो नए समाज की हमें आवश्यकता है वो नया समाज नहीं आ पाएगा। ए न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार, नए समाज और नए संसार की आवश्यकता क्यों है वो अगले पैराग्राफ में आएगी, बल्कि वैसे हमें पता चल चुका है, क्योंकि जो पुरानी संस्कृति और पुराना समाज है वो हिंसा पर आधारित समाज है। हमें एक ऐसा समाज चाहिए, हमें एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो हिंसा पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इस पुराने समाज को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इनहेरेंट व्यक्ति में जन्मजात कौन सी चीजें होती है, एजुकेशन का क्या रोल नहीं है, केवल इतना ही रोल नहीं है, एजुकेशन से कैसा बनना है, कुछ लोग एजुकेशन से भी खराब हो जाते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति नहीं बनने, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। आपको इसको एक बार वापस दोबारा से रिविजन करना है, देखना है कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं, तो जल्दी से आप एक मिनट में पैराग्राफ देख लो, जो समझ में नहीं आया है वो आप एक बार वापस प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हो। तो ये पढ़ लिया होगा पैराग्राफ, पहले बताया कि किन किन के बीच में वायलेंस है, पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी है, लोगों के बीच में वायलेंस को बढ़ा देने वाली चीजें कौन सी, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ये सब चीजें किसमें, व्यक्ति में क्या होती है, इनहेरेंट होती है, जन्मजात होती है। उसके बाद में कहा कि ये आपके अंदर भी है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये इनहेरेंट है। उसके बाद बताया कि इन सब चीजों से पार पाने के लिए सपोज आशा की गई है, माना गया है कि एजुकेशन ही इनमें हेल्प करेगी टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, इन सब चीजों से आगे जाने में, पार पाने में, कि एजुकेशन का रोल केवल क्या नहीं होना चाहिए, नॉट मेरली पास एन एग्जामिनेशन और गेट ए जॉब, कि ना केवल एक एग्जामिनेशन को पास करना और नौकरी प्राप्त करना, इतना ही किसका रोल नहीं है, एजुकेशन का रोल नहीं है। आपको क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, ताकि आप किस प्रकार के लोग बन सको, रियली ब्यूटीफुल, सेन, हेल्दी और रेशनल ह्यूमन बीइंग, इनका सबका हिंदी आ रहा होगा आपको। उसके बाद में हमें कैसा व्यक्ति नहीं बना शिक्षा से, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने, जिसके पास क्लेवर ब्रेन हो और अपना जो आर्ग्यू है और जो अपनी ब्रूटिलिटी है उसको डिफेंड कर सके, हमें इस प्रकार का व्यक्ति नहीं बनना है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इन सब चीजों का सामना करेंगे। आपने जो भी चीजें सुनी है यहाँ पर वो सब की सब आप जब बड़े हो जाओगे तो भूल जाओगे, और इस सोसाइटी की जो धारा है हिंसा वाली इससे जकड़ लिए जाओगे। अब इससे आगे है कि नई जो कल्चर है, नई सोसाइटी है,
न्यू सोसाइटी यानी नया समाज, न्यू कल्चर नई संस्कृति, उसकी हमें आवश्यकता क्यों है, हमें इन चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्या कारण है कि नई संस्कृति और नए समाज की हम रचना के बारे में बोल रहे हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक नए समाज की आवश्यकता क्यों है, तो इस पैराग्राफ में बताया गया है बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन नेसेसरी का मतलब आवश्यक, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, लेकिन बट का मतलब लेकिन ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, एक नए संसार की आवश्यकता है, एक नया संसार हमें अब चाहिए, क्यों, ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की भी हमें आवश्यकता है, एक नई संस्कृति अब रिक्वायरमेंट है, क्यों है, उसका आंसर मिल रहा है, द ओल्ड कल्चर जो पुरानी संस्कृति है इज डेड, वो मर चुकी है, पुरानी संस्कृति क्या हो चुकी है, मर चुकी है, क्योंकि पूरी की पूरी मर गई, इसलिए है क्योंकि अब वो हिंसा पर आधारित हो गई है, तो कारण है कि जो ओल्ड कल्चर है वो क्या हो गई है, एक तो डेड यानी मर गई, बेरिड, बेरिड का मतलब होता है दफनाना, बेरिड का मतलब क्या होता है, दफनाना, पुरानी संस्कृति को दफनाया जा चुका है, इसलिए नई संस्कृति चाहिए, दफना दिया है उसको, जो जिन मूल सिद्धांतों के ऊपर जिस सोसाइटी का निर्माण किया गया था वो सब चीजें मर गई है, लोगों ने उस चीजों को छोड़ दिया है, इसलिए वो नई संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति है वो मर गई है, बेरिड, बेरिड का मतलब दफना दी गई है, बर्न, बर्न का मतलब जला देना, जला दी गई है पुरानी संस्कृति, जिन नैतिक मूल्यों पर आधारित थी उन नैतिक मूल्यों को लोग भूल चुके हैं, इसलिए वो जो पुरानी संस्कृति वो जला दी गई है, दफना दी गई है और मर चुकी है, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब विस्फोटित हो चुकी है, सेकंड फॉर्म है सब में विस्फोटित हो गई है, विस्फोट के द्वारा, यानी कहने का मतलब है ये चीजें जो हमारे नैतिक मूल्य हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे उन नैतिक मूल्यों को हम भूल गए, इसलिए एक नए समाज की रचना करो ताकि वापस जो नैतिक मूल्य है उनको हम प्राप्त कर सकें। वेपराइज, वेपराइज का मतलब होता है, वेपराइज का मतलब होता है वाष्पित करके उड़ा देना, वाष्पित होकर उड़ जाना, यानी भाप, कि पुरानी संस्कृति थी अब वो तो भाप के माध्यम से उड़ चुकी है, अब इस धरती पर है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं बचा है, इसलिए नई संस्कृति की हमें आवश्यकता है। बात समझ में आई होगी कि पुरानी संस्कृति जो ओल्ड कल्चर है इज डेड, बेरिड, बर्न, एक्सप्लोडेड एंड वेपराइज्ड, पुरानी संस्कृति मर चुकी है, दफना दी गई है, जला दी गई है, विस्फोटित की जा चुकी है और वाष्पित होकर उड़ भी चुकी है, इसलिए हमें नई संस्कृति चाहिए। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि नई संस्कृति हमें क्यों चाहिए, यू हैव टू, अब हमें बाध्य करके कहा जा रहा है, हमें हमारे ऊपर जोर देकर कहा जा रहा है, यू हैव टू क्रिएट, क्रिएट का मतलब रचना करना, निर्माण करना, यू हैव टू क्रिएट, आपको निर्माण करने हैं, आपको रचना करनी है, किसकी, ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति। हम जो शिक्षित हैं, जो अभी जो युवा वर्ग है उन सबको आह्वान करके कहा जा रहा है कि आपको एक नए संसार की, एक नई कल्चर की स्थापना करनी है, उसकी संरचना करनी है। अब कहा है कि नई कल्चर का जब निर्माण करो, नई संस्कृति का जब निर्माण करो, तो ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति कैन नॉट बी बेस्ड, बेस का मतलब आधारित होना, किसके ऊपर आधारित नहीं हो सकती, ऑन वायलेंस, हिंसा के ऊपर, कि जब नई संस्कृति का निर्माण होगा, नए समाज का निर्माण होगा, तो किसके ऊपर आधारित नहीं होगा, वायलेंस, हिंसा के ऊपर आधारित नहीं होगा। तो ये आज हमने यहां तक पढ़ा है, जितने भी
मीनिंग है वो बता दी गई है, आपको नोटबुक में लिखनी है, और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।